हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग प्राइमल रेज। इस मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एशली होता है। आज उसका हस्बैंड एक साल बाद जेल से छूटने वाला है। एशली अपने हस्बैंड को पिक करने के लिए जेल जाती है। उसके हस्बैंड का नाम मैक्स होता है। मैक्स जेल से निकलकर एशली की गाड़ी में बैठ जाता है। एक साल बाद मिलने के कारण दोनों को शुरुआत में कुछ अजीब लगता है, लेकिन बात करते करते सब कुछ ठीक हो जाता है। मैक्स उससे अपने बेटे के बारे में पूछता है। एशली कहती है कि वो बिल्कुल अच्छा है, अब वो स्कूल भी जाने लगा है और वो अपनी नानी के पास रहता है। दोनों सीधा अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे। वो दोनों रास्ते में एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहाँ पर एशली अपनी गाड़ी में फ्यूल भर रही थी और मैक्स सामान लेने के लिए गैस स्टेशन के जनरल स्टोर पर चला जाता है, जहाँ पर टाउन का एक पुलिस ऑफिसर इस स्टोर के ओनर से किसी मिसिंग आदमी के बारे में पूछता है। तभी शॉपकीपर उसको बताता है कि मुझे लगता है कि उसको बिगफुट ले गया। दरअसल इस सिटी में एक कहानी बहुत फेमस है कि काफी साल पहले इस सिटी के जंगलों में एक डीमन जैसे क्रिएचर रहा करते थे जिनको बिगफुट कहा जाता था। शहर के कई लोग बिलीव करते हैं कि वो क्रिएचर आज भी एग्जिस्ट करते हैं। ये शॉपकीपर भी बिगफुट की कहानी पर बिलीव करता था, लेकिन ये पुलिस ऑफिसर इस स्टोरी पर बिलीव नहीं करता। इसलिए वो शॉपकीपर को कहता है कि इन फालतू बातों को छोड़ो और अगर तुम्हें ये मिसिंग आदमी कहीं भी दिखे तो मुझको इन्फॉर्म करना। इसके बाद वो मिसिंग आदमी की पिक्चर को एक नोटिस बोर्ड पर लगा देता है जहां ऑलरेडी मिसिंग लोगों की पिक्चर लगी थी। मैक्स तो अपने शॉपिंग में मस्त था और शॉपिंग के बाद जब वो एशली के पास जाने लगता है तो वो देखता है कि शॉप के बाहर शिकार करने वाले कुछ हंटर्स एशली को बुरी नजरों से देख रहे हैं। इन हंटर्स का एक ग्रुप होता है और ये हंटर्स मैक्स को क्रिमिनल कहते हैं, लेकिन दोनों उनकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में मैक्स बियर पीने लगता है और एशली उसे ड्रिंक करने से रोकती है क्योंकि उसको मैक्स का स्मोकिंग और ड्रिंक करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो गुस्से में उससे कहती है कि अभी तुम्हें जेल से आए थोड़ी देर हुई है और तुम ड्रिंक करने लग गए। फिर दोनों में बहस हो जाती है क्योंकि नशे की वजह से ही मैक्स जेल गया था। वो दोनों बहस करने में इतना बिजी हो जाते हैं कि एशली को उसकी गाड़ी के सामने आया आदमी दिखाई ही नहीं देता और वो उसको अपनी गाड़ी से हिट कर देती है। दोनों उस आदमी को चेक करने के लिए अपनी गाड़ी से बाहर आते हैं। तभी वो देखते हैं कि उस आदमी को बहुत ज्यादा चोट लगी है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। उसकी दोनों टांगे कट चुकी हैं और उसके शरीर पर काफी गहरे निशान हैं। उसकी हालत देखकर ये दोनों समझ जाते हैं कि ये सब कार से टकराने की वजह से नहीं हुआ होगा। ऐसा लग रहा था कि उस पर किसी जंगली जानवर ने अटैक किया होगा। वो आदमी उन दोनों के सामने दम तोड़ देता है। अब हमें पता चलता है कि कोई है जो इनको छिपकर देख रहा है। एशली पुलिस को कॉल कर रही थी, लेकिन मैक्स उसको ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि अभी अभी तो वो जेल से छूट कर आया है और इन सब चीजों से वो वापस से मुसीबत में फंस सकता है। लेकिन एशली फिर भी पुलिस को कॉल करके बता देती है कि हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। वो उन्हें अपनी लोकेशन भी दे देती है। तभी मैक्स को जंगल में कुछ दिखाई देता है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता कि ये क्या है, कोई उन पर पत्थरों की बारिश करने लगता है। मैक्स जब दोबारा देखने के लिए अपना सर बाहर निकालता है तो उनमें से एक पत्थर आकर उसके सर पर लगता है, जिस वजह से वो पीछे लुढ़कता हुआ खाई से होता हुआ नदी में गिर जाता है। एशली उसको बचाने जाती है जहाँ पर वो देखती है कि मैक्स बेहोश हो चुका है, इसलिए वो नदी में कूदकर उसको पकड़ लेती है। पानी की लहरें तेज होने के कारण दोनों नदी में आगे जाने लगते हैं और जब पानी की लहरें कम होती हैं तो दोनों किनारे पर आ जाते हैं, लेकिन मैक्स अभी भी बेहोश था। एशली उसको मेडिकल प्रोसीजर से होश में लाती है। पानी ठंडा था इसलिए अब दोनों को सर्दी लगने लगती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक क्रिएचर उनकी गाड़ी को धकेलकर नदी में फेंक देता है और ये क्रिएचर उस आदमी को अपने साथ ले जाता है जिसका एक्सीडेंट हुआ था। ये क्रिएचर ही बिगफुट है जो इन दोनों पर पत्थर फेंक रहा था। इस क्रिएचर को लोकल लैंग्वेज में उमा कहते हैं। बिगफुट जंगल में घूमने वाले बाकी जानवरों की तरह मूर्ख नहीं है क्योंकि इसने उन दोनों का शिकार करने के लिए इस आदमी को उनकी गाड़ी के सामने फेंक दिया जिससे वो रुक गए। रुकने के बाद इसने उन दोनों पर पत्थर बरसाए ताकि वो बेहोश हो जाएं। इधर मैक्स को अभी भी ठंड लग रही थी इसलिए एशली उसको नदी से थोड़ा दूर लाकर उसके लाइटर से आग जलाती है और अपने कपड़ों को सुखाने के लिए झाड़ियों पर फैला देती है। जिसके बाद अब हम एक पुलिस शेरिफ को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन जा रहा था। रास्ते में उससे एक औरत अपने मिसिंग हस्बैंड के बारे में पूछती है, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं होता है। इसीलिए वो उस औरत को कहता है कि आप बिल्कुल रिलैक्स रहें, हम आपके पति को जल्द ही ढूंढ लेंगे। अब स्टेशन के अंदर आने पर शेरिफ डेप्यूटी से पूछता है कि क्या आप बिगफुट की कहानी पर यकीन करते हैं। डेप्यूटी कहता है कि मैं ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन हम उसकी कहानी को नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। तभी एक लेडी ऑफिसर आती है और शरीफ को बताती है कि अभी मुझे एक लड़की का कॉल आया था जिसमें वो बता रही थी कि उनका एक्सीडेंट हो गया है।
इतना सुनते ही शेरिफ उस लोकेशन पर पहुंच जाता है, लेकिन उसे वहां पर ना तो कोई कार दिखाई देती है और ना ही कोई बॉडी। आसपास देखने पर कार तो उसे मिल जाती है, जिसके बाद वो डेप्यूटी को वहां कार निकालने के लिए बुलाता है। ओमा उसको झाड़ियों से देख रहा होता है। डेप्यूटी वहां आकर कार को निकाल लेता है, जिसके अंदर उन्हें एशली और मैक्स की पिक्चर मिलती है। उधर एशली और मैक्स दोनों प्रॉमिस करते हैं कि फ्यूचर में अब वो कभी भी नहीं लड़ेंगे और एक दूसरे के साथ प्यार से रहेंगे। अगली सुबह एशली को वो आदमी नजर आता है जिसका एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन आंख खुलने पर पता चलता है कि ये उसका एक सपना था। तभी वो देखते हैं कि जहां पर उन्होंने अपने कपड़े सुखाए थे वहां पर अब सिर्फ मैक्स के कपड़े थे और एशली के कपड़े गायब थे। इसीलिए मैक्स उसको अपने टी शर्ट दे देता है और दोनों नदी के किनारे आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन नदी के खत्म होने पर उन्हें जंगल से गुजरना पड़ता है। जंगल में काफी देर तक चलने पर उनको महसूस होता है कि शायद कोई उनका पीछा कर रहा है। वो ओमा होता है। ओमा के अंदर एक एबिलिटी होती है कि वो खुद को जंगलों में हाइड कर सकता है। वो इस तरह जंगल में छुपता था कि वो पेड़ पौधों से बिल्कुल मर्ज हो जाता था, जिससे किसी का भी ध्यान उस पर नहीं पड़ता था। यहाँ प्रूव हो जाता है कि बिगफुट एक अक्लमंद शिकारी है। आगे जाने पर इन्हें गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। फिर इनको पता चलता है कि ये वही हंटर्स हैं जो इनको गैस स्टेशन पर मिले थे। ये दोनों उनसे मिलना तो नहीं चाहते थे, लेकिन ये दोनों मजबूर थे, क्योंकि जंगल में भटकने से बेहतर है मदद मांगना। इसीलिए एशली को वहाँ पर छुपाकर मैक्स उनसे मदद मांगने जाता है। वो मैक्स को देखकर हंसने लगते हैं। मैक्स उनसे कहता है कि प्लीज मुझे एक फोन कॉल करने दीजिए ताकि मैं मदद बुला सकूं। तभी उनका लीडर बेदी कहता है कि जंगल में नेटवर्क नहीं होता, इसलिए हम फोन का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन हमारे पास रेडियो है, मगर ये तुम्हारे लिए नहीं है। मैक्स कहता है कि एटलीस्ट मुझको मेन रोड तक जाने का रास्ता बता दो, लेकिन वो मना कर देते हैं। उधर एशली के साथ ओमा भी ये सब देख रहा था। ओमा एशली का बाल काट कर ले जाता है। एशली को भी एहसास हो जाता है कि किसी ने उसके बाल काटे हैं, इसलिए वो भागते हुए मैक्स के पास आ जाती है। अब एशली को ऐसी हालत में देखकर बेदी उनकी हेल्प करने लगता है। वो एशली और मैक्स दोनों को कपड़े देता है, जिसके बाद वो सभी यहाँ से जाने लगते हैं। उधर शेरिफ को पता चल जाता है कि इस कार को धकेल कर नीचे फेंका गया है और उसके ऊपर पंजों के बड़े बड़े निशान हैं। अब तो शेरिफ को भी डाउट हो रहा था। डेप्यूटी भी उसको एक मिस्टीरियस औरत के बारे में बताता है जो कई सालों से जिंदा है और वो इंसान नहीं है। उधर रास्ते में बेदी फिर से उन लोगों का मजाक बनाने लगता है और एशली के बारे में उल्टे सीधे कमेंट करने लगता है। अपनी बीवी के बारे में ऐसा सुनकर मैक्स को उस पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन बेदी के पास बहुत ज्यादा आदमी थे, इसलिए मैक्स उनको कुछ भी नहीं कहता। फिर इस ग्रुप के दो लोग अलग हो जाते हैं और उनमें से एक को पेड़ के पास कुछ अजीब दिखाई देता है, जो ओमा था, क्योंकि उसके पास छिपने की एबिलिटी थी। तभी एक तीर उसके गले के आर पार हो जाता है और वो वहीं मारा जाता है। उसके दूसरे साथी को भी गले में तीर लगता है, जिससे वो मदद के लिए चिल्ला भी नहीं सकता। ये तीर ओमा ने चलाए थे और हम देख सकते हैं कि ओमा का निशाना कितना अचूक है। ओमा उनके पास आकर उसकी आंखें फोड़ देता है और उसके सर को बुरी तरह से कुचल देता है। अब उनकी आवाज सुनकर उनका तीसरा साथी उनको बुलाने के लिए वहां पर आता है। तभी उसको कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, इसलिए वो डरकर भागता है, लेकिन पैर फिसलने से वो वहीं पर गिर जाता है और उसके हाथ की हड्डी टूट जाती है। तभी वहां पर ओमा आ जाता है, जो कुल्हाड़ी से उसके सर को धड़ से अलग कर देता है। इधर सभी लोग एशली और मैक्स को परेशान कर रहे थे। तभी तीर आकर एक आदमी के आर पार निकल जाता है। इतने में एक आदमी बिगफुट को देखते ही उस पर फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन गोली बिगफुट की जगह उसी के एक आदमी को लग जाती है। अब इस सीन में कुछ गोलियां मैक्स को भी लग जाती हैं, जिससे वो बेहोश होकर वहीं नीचे गिर जाता है। जबकि जो आदमी बिगफुट पर गोलियां चला रहा था, उसे बिगफुट बड़ी ही चालाकी से गला काटकर मार देता है। और अब बिगफुट एशली को मारने उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन एशली उससे बचकर कहीं छिप जाती है, जहां ऑलरेडी एक आदमी छिपा हुआ था। उनको लग रहा था कि अब वो दोनों सेफ हैं, लेकिन तभी बिगफुट उस आदमी को भी मार देता है। एशली उससे बचकर भागती है, लेकिन ओमा यानी कि बिगफुट उसको पकड़ लेता है। ओमा उसको वहां पर लेकर जाता है जहां पर उसने बाकी सबको मारा था। उसे वहां पर वही आदमी मिलता है जिसका ओमा ने जबड़ा फाड़ा था। अब वो नहीं बचने वाला था, क्योंकि ओमा अपने पैर से उसके सर को क्रश कर देता है, जिसके बाद ओमा मैक्स को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी बेदी उस पर गोली चला देता है, जिससे ओमा के कंधे पर गोली लगने से वो घायल हो जाता है।
ओमा बेदी को बेहोश कर देता है और वो एशली के साथ उसे भी अपने साथ ले जाता है। उधर शेरिफ डेप्यूटी के साथ एक जगह पर आता है क्योंकि वहाँ पर एक औरत को कैंसर था और उसके लिए वहाँ रात को एक रिचुअल होने वाला था जिसको एक विच आकर अपने साथ ले जाती है। ये विच वही मिस्टीरियस औरत है जिसके बारे में डेप्यूटी बात कर रहा था। अब हम देखते हैं कि वो विच जंगल में अपने घर में मैक्स का इलाज कर रही है। सबसे पहले वो मैक्स की बॉडी से सारी गोलियां निकाल देती है, फिर वो एक चीज खाकर मैक्स के जख्मों पर थूक देती है, बाद में उसके जख्मों पर टांके लगा देती है। अब उधर एशली को भी होश आ गया था। वो खुद को ओमा के ठिकाने पर बंधा हुआ पाती है। उसके ठिकाने पर कंकालों का ढेर लगा हुआ था, जिसके बाद वो देखती है कि ओमा एशली के सामने ही बेदी को जिंदा चीरकर उसके बॉडी पार्ट्स निकाल रहा था और अब वो एशली के साथ भी जबरदस्ती करने लगा था। उधर अब हम एक बार फिर से रिचुअल वाले सीन को देखते हैं, जहां पर सभी के साथ शरीफ को भी उनकी ड्रिंक पीनी पड़ती है जिससे उसकी तबीयत खराब होने लगती है। उसे भयानक विजन आने लगते हैं। उसे डेप्यूटी की शक्ल कभी डरावनी लगती है तो कभी सही लगती है। शरीफ को ट्रेडिशनल आउटफिट पहनकर डांस करने वाले लोगों में बिगफुट की शक्ल दिखाई देने लगती है और अब वो देखता है कि जो आदमी रिचुअल कर रहा था वो उस औरत का पेट फाड़कर उसका कैंसर ठीक कर देता है, जिसमें उस औरत को थोड़ा सा भी दर्द नहीं होता। शरीफ को ये सब देखकर पसीने आने लगते हैं, इसीलिए वो टेंट से बाहर आ जाता है। अगले दिन जब मैक्स को होश आता है तो वो अपने पास शरीफ को देखता है। मैक्स उससे एशली के बारे में पूछता है। उधर शरीफ भी पहले बिगफुट की कहानी पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन अब उसको भी सब कुछ समझ आ जाता है। शरीफ मैक्स को बताता है कि हमारे जंगलों में एक क्रिएचर रहता है जिसको बिगफुट या फिर ओमा कहते हैं। वो ऑफिसर बताता है कि ये क्रिएचर हमारे कबीले के पुराने लीडर हैं और एक जमाने में ये हमारे भी लीडर हुआ करते थे, लेकिन अब इनकी आत्मा बिगफुट का रूप लेकर हमको डरा रही है। बिगफुट एक एंशिएंट क्रिएचर है जो एक पुराने कबीले से बिलोंग करता है। वो बताता है कि एशली को बिगफुट उठाकर ले गया है। मैक्स कहता है कि बिगफुट के कंधे पर गोली लगी है और अब वो घायल और कमजोर है, इसीलिए शेरिफ बिगफुट को मारने के लिए और मैक्स एशली को ढूंढने के लिए जंगल में जाने का फैसला करते हैं। उन्हें पता था कि बिगफुट इंसानों को और उनके हथियारों को स्मेल कर सकता है। बिगफुट को पता ना चले इसलिए वो अपने साथ पुराने हथियार ले जाते हैं और एक लिक्विड को अपनी पूरी बॉडी पर लगा लेते हैं ताकि बिगफुट उनको स्मेल ना कर पाए। लेकिन शरीफ अपने साथ एक गन ले लेता है और दोनों जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। तभी पीछे से वो विच उनका हौसला बढ़ाने के लिए ड्रम बजाने लगती है क्योंकि वो भी चाहती थी कि बिगफुट मारा जाए। उधर बिगफुट जबरदस्ती एशली को इंसानों का मांस खिलाता है और इन्हीं सब के बीच में एशली के मुंह में एक छोटी सी हड्डी आ जाती है। वो उस हड्डी को पत्थर पर रगड़कर नोकीला कर लेती है और जब बिगफुट उसके पास आता है तो वो इस हड्डी से उस पर अटैक कर देती है, लेकिन उस हड्डी से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तभी बिगफुट को उस ड्रम की आवाज सुनाई देती है जिसको विच बजा रही थी और उसको पता चल जाता है कि कोई उसे लड़ने के लिए आ रहा है, जिसके बाद बिगफुट एक ट्रैप लेकर वहां से निकल जाता है। उसके जाते ही एशली भी अपनी रस्सी को काटकर फ्री हो जाती है और वहां पड़ी गन को लेकर निकल जाती है। अब ऑफिसर और मैक्स दोनों अलग अलग होकर बिगफुट को ढूंढने लगते हैं कि तभी शेरिफ को उसके पास किसी की प्रेजेंस का एहसास होता है, इसलिए वो अपनी गन को निकाल लेता है। बुलेट को सूंघकर बिगफुट भी शेरिफ के पास पहुंच जाता है और उस पर अटैक कर देता है, लेकिन शेरिफ उसको गोली मार देता है जिससे बिगफुट को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में शेरिफ का गला काटकर उसको मार डालता है। उधर मैक्स जब तक शेरिफ के पास पहुंचता है तब तक बिगफुट वहां से भाग चुका था। मैक्स उसकी गन अपने साथ रख लेता है और बिगफुट के खून को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है, जिधर वो एशली को भी देख लेता है जो बिगफुट को मारने के लिए आगे बढ़ रही थी। मैक्स उसको वापस चलने के लिए बोलता है, लेकिन एशली उस डायरेक्शन में चली जाती है जहां पर बिगफुट गया था। एशली बिगफुट को शूट कर देती है। सबको लगता है कि वो मारा गया, जिसके बाद वो मैक्स के साथ भागने लगती है और जब दोनों आराम करने के लिए रुकते हैं तो इनको बिगफुट की आवाज सुनाई देती है। इसका मतलब वो अभी भी जिंदा है। मैक्स एशली को बचाना चाहता है, इसलिए वो अकेला बिगफुट से मुकाबला करने के लिए यहीं पर रुक जाता है और एशली को वहां से भेज देता है। मैक्स बिगफुट के पास जाकर उस पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन उसको गोलियों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो मैक्स के पास आकर उसको गर्दन से पकड़कर उठा लेता है, लेकिन तभी मैक्स एक चाकू से उसके हाथ पर अटैक कर देता है जिससे वो उसको छोड़ देता है। फिर मैक्स एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर भागने लगता है कि तभी उसका पैर बिगफुट के लगाए ट्रैप में फंस जाता है। बिगफुट आकर
एक बार फिर से मैक्स को पकड़ लेता है, लेकिन मैक्स हार नहीं मानता और लकड़ी के टुकड़े से बार बार उसको मारता रहता है, जिससे फाइनली बिगफुट की मौत हो जाती है। लेकिन उसको यकीन नहीं होता कि ये दरिंदा मर गया है, इसलिए वो बड़े पत्थर को लेकर उसके सर को बहुत बुरी तरह से क्रश कर देता है। उधर एशली भी हाईवे तक पहुंच जाती है, जिसके बाद अब हम एक बार फिर से मैक्स को देखते हैं, जिसको बहुत सारे तीर लगे हुए थे और अब वो बस मरने ही वाला था। उसे तीर मारने वाले कोई और नहीं बल्कि बिगफुट के कबीले के सदस्य होते हैं, जिसके साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि एशली और मैक्स की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। फिलहाल तो आज की कहानी में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।